गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सर मनीष, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन टी डी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल मंच पर। तो हम लोग हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टैक्सेशन के बारे में, किस प्रकार से जो है वो टैक्स कलेक्ट किया जाता था। द किंग्स नीडेड रिसोर्सेज टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ देयर किंगडम्स। राजाओं को जो भी अपने खर्चे थे उनके लिए पैसों की ज़रूरत थी। सिंस मोस्ट पीपल वर फार्मर्स, टैक्सेज ऑन क्रॉप्स वर कलेक्टेड। ज़्यादातर लोग किसान थे, इसीलिए जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो फसलों पे किया जाता था। द किंग्स शेयर और द टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस्ड एंड वॉज कलेक्टेड इन काइंड एंड लेटर ऑन इन कैश। राजा जो भी प्रोड्यूस होता था उसका लगभग 1/6 भाग जो है वो टैक्स के रूप में कलेक्ट करता था, पहले चीज़ों के रूप में, बाद में कैश के रूप में। देयर वॉज अनदर टैक्स कॉल्ड बली, बट एंशियंट इंडियन टैक्स आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट। वहाँ पर एक और टैक्स का भी जिक्र हो रहा है बली टैक्स के रूप में, लेकिन उसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट अपन को ये चीज़ का प्रमाण नहीं दे रहा, तो ये हम श्योर नहीं है इस बारे में। समटाइम्स टैक्स कुड बी कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ लेबर एंड वॉज कलेक्ट कॉल्ड विस्टी। कुछ जगहों पर टैक्स जो है वो लेबर्स के रूप में भी कलेक्ट किया जाता था, जिसको विस्टी कहते थे। दिस वॉज लाइक ऑफरिंग फ्री सर्विस टू द किंग, और ये इस प्रकार से था जैसे अपन बिना पैसों के जो है वो किंग की सेवा कर रहे हैं, उसको विस्टी कहा जाता था। फिर है ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन। एज एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स इंक्रीज्ड देयर वॉज सरप्लस। एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन जब बढ़ने लगा अनाज का, और तो वहाँ पे सरप्लस चीज़ें होने लगी, और उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ देखिए आप ध्यान से एक बार। वाइल अ लार्ज पार्ट ऑफ इट वॉज कलेक्टेड एज टैक्स, सम ऑफ इट वॉज ऑल्सो ट्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटीज। देखिए बहुत सारा हिस्सा जो टैक्स में चला जाता था, तो उसके बाद में जो चीज़ें बचती थी तो वो चीज़ें जो है वो किस में इस्तेमाल की जाने लगी, वो चीज़ें इस्तेमाल की जाने लगी कमोडिटीज़ के रूप में, एक्स्ट्रा कमाई के जरिए के रूप में। द गुड्स प्रोड्यूस बाय क्राफ्ट्स पीपल वर कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज बाय मर्चेंट्स। जो भी चीज़ें वो तैयार करते थे तो मर्चेंट्स के थ्रू वो बहुत दूर तक ले जाई जाने लगी, कैरिड करने लगी। मर्चेंट्स आइदर ट्रेवल बाय कार्ट्स और सेल डाउन द रिवर्स। वो लोग छकड़ा गाड़ियों से या रिवर के अंदर बोट्स से जो है वो जाते थे मर्चेंट्स। एज सम सिटीज़ वर लोकेटेड ऑन रिवर बैंक्स, कुछ रिवर बैंक्स के किनारे पर थी जो भी सिटीज़ बसी हुई। दे मे हैव यूज्ड द पंचमार्क कॉइन्स एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और जो चीज़ों का खरीद फरोख्त का काम था वो पंच मार्क्ड कॉइन्स से जो है वो लोग करते थे। मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व इनटू एसोसिएशंस और गिल्ड्स विच वर कॉल्ड श्रेणीज। मर्चेंट जो हैं वो उन्होंने खुद को यूनाइट किया हुआ था, उसको या तो आप एसोसिएशन कह सकते हो या गिल्ड्स कह सकते थे, और आगे जा करके उनको ही श्रेणीज कहा जाने लगा। और ये आपके बुक में जो पिक्चर दे रखी है ये पंचमार्क कॉइन है, 6वीं से 5वीं सेंचुरी के बीच में चलता था ये। एज पॉपुलेशन इंक्रीज विलेजेस ग्रू इन साइज एंड नंबर्स, ईच विलेज हैड अ हेडमैन, ग्रामणी और ग्रामिका, हु वॉज अ लिंक बिटवीन द विलेज एंड द किंग। जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, गांव बड़े होने लगे, गांव का एक लीडर हेडमैन होता था जिसको ग्रामणी या ग्रामिक कहते थे, जो कि राजा और गांव के बीच में लिंक का काम करता था। समटाइम्स विलेज डेवलप्ड इनटू टाउन्स, पर्टिकुलरली इफ दे वर फेमस फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्स। टाउन्स एंड सिटीज ऑल्सो इमर्ज्ड बिकॉज ऑफ देयर प्रॉक्सिमिटी टू ट्रेड रूट्स। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कुछ जगहों पर विलेज जो है वो डेवलप होने लगे और टाउन में बस गए, और आगे जाकर के जो फेमस सर्टेन क्राफ्ट्स थी टाउन्स और सिटीज़ की वो इमर्ज हुई और वो ट्रेड रूट्स के रूप में जो है वो कन्वर्ट हो गई। सोसाइटी कैसी थी? द सोसाइटी सेटअप ऑफ द जनपदास और महाजनपदास वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। द वर्ण सिस्टम दैट क्लासीफाइड पीपल इन टू ब्राह्मण्स, क्षत्रियज, वैश्याज एंड शूद्रज कंटिन्यूड एंड केम टू
फर्मली इस्टेब्लिश्ड इन द सोसाइटी। देखिए, समाज ऐसा था कि जो अपन ने जनपद और महाजनपद काल में देखा था, लेटर वैदिक पीरियड के अंदर अपन ने देखा था, समाज वर्ण व्यवस्था में डिवाइड हो चुका था। और हमने देख लिया था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का कॉन्सेप्ट, वही आगे कंटिन्यू फॉलो होने लगा। हाउ एवर इट वॉज नो लॉन्गर स्किल बेस्ड, इट बिकम्स हेरिडिटरी। पहले तो ये देखिए, शुरू जब हुआ था तो स्किल्स के थ्रू हुआ था, लेकिन बाद में ये हेरिडिटिकल हो गया, यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही कहलाने लगा। तो इस प्रकार से जो है वो ये, और अब जो है वो कोई भी वर्ण सिस्टम को प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट करना, मतलब वो हेरिडिटिकली एक्सेप्ट करना था, बाकी स्किल्स से नहीं हो रहा था। अब कोई हर कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता था। सम ऑब्जेक्ट टेड टू द अलॉटमेंट ऑफ वर्ण बेस्ड ऑन द बर्थ इन अ सर्टेन कम्युनिटी। कुछ लोगों को तो यही लग रहा था जन्म से ही जो है वो मतलब कम्युनिटी से प्रॉपर वर्ण व्यवस्था जो है वो बांटी हुई थी। धर्म कैसा था, रिलीजन कैसा था? द पीरियड बिटवीन 600 BCE एंड 300 BCE वॉज वन ऑफ रिलीजियस टर्मोइल एंड चेंजेस। इन दिस एज द ब्राह्मण्स हैड बिगन टू डोमिनेट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। दे इनकरेज कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, एलाबोरेट सेक्रीफाइस, एक्सपेंसिव सेरेमनीज एंड द वर्ण सिस्टम एंड एम्फेसिस्ड द सेंटिटी ऑफ द वेदास। अभी यहाँ पर है, देखिए रिलीजन में आपको मैं बता दूँ, ब्राह्मण्स जो है ना वो काफ़ी डोमिनेंट हो गए रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर, और वो मतलब रिचुअल्स को और सेक्रीफाइसेस को और इन सब सेरेमनीज जो भी थी वर्ण सिस्टम में, उसको काफ़ी मतलब यूँ एम्फेसिस करने लगे, और वो इस प्रकार से करवाने लग गए जैसे मतलब ब्राह्मण्स जो हैं वही धार्मिक चीज़ों के लिए जो है वो बने हैं। पीपल ग्रेजुअली बिकम डिससेटिस्फाइड एंड शाउट देयर डिफरेंट रिलीजियस ओपिनियन, और यहाँ पर जनता जो है वो अलग अलग विचारों से ग्रसित हो गई। टू न्यू रिलीजियंस जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिकम पॉपुलर, और यहाँ पर धर्म टूटने लगे और दो नए धर्म जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो सोसाइटी में आ गए। वी शैल रीड मोर अबाउट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन द नेक्स्ट चैप्टर। बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में अपन जो है वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर ये केस स्टडी है मगध की, आप इसको रीड करिएगा, बहुत अच्छे से बताया गया ये पूरा मगध के बारे में। वैसे यहाँ पर अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, आप लोग इसको पढ़िएगा मगध के बारे में और वज्जी के बारे में। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।